आई एम सोनम। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बोध गया। एंड जिन लोगों को नहीं पता बोध गया क्या है, ये वो जगह है जहाँ बुद्ध भगवान को इनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो वी आर हेडिंग टू वॉट दैट प्लेस। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस, मैं इस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम कल रात को यहाँ पर आ गए थे, बिकॉज एंड रात में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। सो हम गया डायरेक्टली नहीं गए, हमने एक स्टॉपेज ले लिया पटना एंड बोध गया के बीच में है, एंड द प्लेस इज़ कॉल्ड राजगीर। जो लोग बिहार के आसपास के हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस जगह के बारे में, तो हमने यहाँ पे स्टॉपेज ले लिया। एंड इस जगह का नाम है गार्गी गौतम विहार रिजॉर्ट, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको कॉटेजेस भी मिल जाएंगे, रूम्स भी मिल जाएंगे। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी हम आधे घंटे में बोध गया के लिए निकलने वाले हैं। एंड मैं ट्राई करूँगी मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की। सो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आप गया जा रहे हो तो क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इस रिज़ॉर्ट की, मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाली हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है, बिकॉज आई हैव माई रीजन्स, जो भी आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो दिस कैन बी योर बेस्ट स्टॉपेज टू स्टे। सो गाइज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्यूटिफुल ब्लॉग, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट बोध गया, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट बिहार, सो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। रूम्स वाला एरिया था, एंड लेफ्ट साइड में कॉटेजेस वाला एरिया था। तो एज पर बजट आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ स्टे करना है। एंड जस्ट सामने ये जो कॉटेज दिख रहा है, ये हमारा कॉटेज था। तो कल रात में बारिश हो रही थी और इन लोगों ने फेरी लाइट्स वगैरह लगा रखी थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ से। जो विजिट कर रहे हैं, इस जगह का नाम है 80 फीट। यहाँ पे बुद्धा की 80 फीट की स्टैचू हुई है। सो दिस इज द मोस्ट फेमस बुद्धा की मूर्ति जो 80 फीट की है। एंड ये जो मूर्ति है वो मेडिटेशन पोज में बनी है, जिसे हम हिंदी में ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। एंड इसे बनाने में पूरे 7 साल लगे थे। एंड ये जो मूर्ति है वो सराउंडेड है छोटे छोटे मूर्तियों से, 5 राइट साइड में है, 5 लेफ्ट साइड में है, जो रिप्रेजेंट करती है बुद्धा के प्रिंसिपल और डिसिप्लिन। सो डन विद द फीट स्टैचू, आई होप आपको ये पसंद आया हो। नेक्स्ट स्टॉपेज आई डोंट हैव एनी आइडिया वेयर वी आर गोइंग, बट अच्छा ही होगा नो डाउट, बिकॉज बहुत अभी तक रास्ते में जो भी मोनेस्ट्रीज भी पड़ी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एंड वन मोर थिंग, हम अपनी पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो हमने उसको बाहर पार्क कर दिया है, बिकॉज द थिंग इज दैट व्हीकल वाज नॉट अलाउड। तो द व्हीकल वाज नॉट अलाउड, एंड वहाँ से हमने ई रिक्शा करा है, जिसको हमने थ्रू आउट द डे के लिए बुक कर लिया है। तो हमें जहाँ जहाँ भी घूमने जाना होगा हम उसी के साथ जाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अभी तक यहाँ तक पसंद आ रहा होगा। सो ये जो 80 फीट मूर्ति का जो एंट्री गेट है, उसके जस्ट सामने छोटे छोटे शॉप्स भी हैं, जहाँ से आप अपने घर के लिए सुविनियर्स ले सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स ले सकते हो। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक हिंदू जो गॉडेस हैं उनकी भी मूर्तियाँ हैं, हिंदू जो गॉड हैं उनकी भी मूर्तियाँ हैं, एंड डेकोरेटिव पीसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। मैंने अपने घर के लिए एक बुद्धा की स्टैचू ली है, एंड व्हाट आई बिलीव कि जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है और काफ़ी काम फील होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थैंक गॉड मैंने कैब कैरी किया है यार। अगर अगर आपके पास भी कैब है, नहीं है तो यहाँ पे मिल रहा है, प्लीज़ आप ख़रीद लेना। जिन लोगों ने नहीं पहना उनका मैं बुरा हाल देख सकती हूँ, बट मैं उन लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो लोग कैमरा कॉन्शियस हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं।
जस्ट लाइक माई हस्बैंड, ये पहले से दूर से ही हाथ से नहीं नहीं ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा डेस्टिनेशन है। ब्लॉग में बने रहिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा होगा देख के। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है दिस ब्यूटीफुल डाइजोक्यो बुद्ध मंदिर, एंड इसका जो इनॉग्रेशन है वो एट दैट टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा हुआ था, जिसका नाम है श्री ज्ञानी जेल सिंह। एंड ये इसकी जो इनॉग्रेशन हुई थी वो 1983 में हुई थी, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा मंदिर है। नेक्स्ट अप वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फेमस बोधि मंदिर, जिसे देखने के लिए मोस्टली लोग आते हैं। एक्साइटेड टू गो एंड सी इनसाइड यहाँ पे क्या क्या है, एंड टाइमिंग्स वगैरह जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप लोग आओ तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि कब आना है, कितने बजे आना है, कब तक खुलता है, कब तक बंद रहता है। बोधि मंदिर के जस्ट बाहर ऐसे क्लॉक रूम्स वगैरह बने हुए हैं, अपनी चीज़ें आप अंदर रख सकते हो, आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ। एंड द सैड न्यूज़ इज़ आई डोंट हैव अ कैमरा। यही होता है जब आप एक मिडिल क्लास ब्लॉगर होते हो तो आपके पास कैमरा नहीं होता है, एंड ऐसा नहीं है गाइज, लिटरली मैं बता रही हूँ। उस ट्रिप के पहले आई वॉज़ लाइक सो श्योर कि मेरे को कैमरा लेना है, बट स्टोर पर मैं भी गई थी कैनन का कैमरा लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो आई थॉट व्हाई नॉट, अभी तक फ़ोन से ब्लॉगिंग की है तो आगे भी इसी से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ फोन्स अंदर अलाउड नहीं है। इफ़ यू हैव अ कैमरा दे विल चार्ज यू 500 रुपीज़, बट फ़ोन के कैमराज अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, बाहर ही यू नो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर की चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन लेट मी टेल यू गाइज इज़ अ वर्थ टू कम हियर, लाइक it's amazing, like it's worth to see, it's worth to drive all the way to this place. बहुत ही प्यारी मूर्ति है बुद्धा भगवान की, एंड बोधि वृक्ष इज़ रियली अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है। वहाँ उसके नीचे हम बैठे थे, एंड कोविड की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, तभी हमें पेड़ के नीचे काफ़ी देर तक बैठने को मिल गया। पता नहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि नहीं, वो तो आई कॉन्ट टेल यू, लेकिन मैं आपको मेन गेट दिखा सकती हूँ जहाँ से आप एंट्री लेते हो एंड जहाँ से चेकिंग वगैरह स्टार्ट होती है। लेट मी शो यू, सो दिस इज़ द मेन स्टार्ट होती है, एंड दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट जहाँ से आप एग्जिट करते हो। एंड अगर आपको साइड में वो थोड़ा थोड़ा मंदिर दिख रहा है, वही है बुद्ध भगवान का बोधि जो मंदिर है, दैट इज़ द मेन मंदिर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये जो बोधि टेम्पल है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड अंदर जो बोधि वृक्ष है वो एटलीस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड है, जहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक्चुअली अंदर बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे बुद्ध भगवान जी ने ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था, एंड अंदर जाके मुझे पता चला कि उस पेड़ के नीचे बुद्ध भगवान जी एक हफ्ते के लिए उन्होंने वहाँ पे मेडिटेशन किया था। यार डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी दूर आई हूँ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बट द थिंग इज़ नाउ आई एम इन बिहार फॉर सम टाइम, तो डेफिनेटली एक और ट्रिप मैं बनाऊंगी, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ब्रिंग माय कैमरा सो दैट आई कैन शो यू गाइस व्हाट्स इनसाइड इन बोध गया बोधि टेम्पल। अदरवाइज ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, एंड आप उसी से जज कर सकते हो ये जगह कितनी प्यारी है। घूमते घूमते बहुत भूख लग चुकी है, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लंच करने के लिए। यहाँ पे खाने के ऑप्शंस बाहर मैंने बहुत सारी फूड चेन देखी है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, अभी कुछ खाएंगे, यार थकान हो गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जाते हैं लंच करते हैं, फिर मैं आगे देखती हूँ यहाँ पे मैं आपको और क्या क्या दिखा सकती हूँ, बट ओवरऑल सो फार सो गुड। आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सीताकुंड, ये फाल्गु रिवर पे सिचुएटेड है, ये वही जगह है जहाँ पे पूरे भारत से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। यहाँ पे माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, जगह अपने पूर्वजों का नाम से रामचंद्र जी पिंडदान किए थे, और आगे में आए तो सीता माँ को बोले कि बैठिए इस जगह, हमने पिंड कम सामग्री लेकर के आएंगे तो पिंडदान करेंगे। अच्छा। तो राजा दशरथ जी आकाशवाणी किए कि पुत्री पिंड दीजिए, तो बोले कि पिंड तो देंगे, बस अर्थे कोई सामग्री है नहीं, सामग्री लाने के लिए गए हैं तो सामग्री लेकर के आएंगे तो आपको पिंडदान करेंगे। तो बोले सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त हो जाएगा तो हमने फिर स्वर्ग जाने नहीं पाएंगे, इसलिए जो है आपका पास में वही दे दीजिए,
और इसके बाद हमारा मुक्ति हो जाएगा। आप देख सकते हो सीता कुंड का ये जो मंदिर है, ये यहाँ पे अभी भी पहाड़ के कुछ रिमेन्स ऐसे बचे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पहाड़ हुआ करता था जिसे काट कर मंदिर बनाया गया है। और यह भी कहा जाता है कि माता सीता ने वनवास पे जाने से पहले यहाँ पे स्नान भी किया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जगह इतनी पीसफुल थी, मैंने सोचा नहीं था मुझे गया में ऐसी जगह देखने को मिलेगी। आई वॉज सो सरप्राइज, काफ़ी सूदिंग, काफ़ी रिफ्रेशिंग सी जगह थी ये, और भीड़ कम थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठने में। is going to be end so soon. Actually the thing is कि यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बंद है, बट जो यहाँ पे सबसे फेमस स्पॉट है द बोधि मंदिर एंड द बोधि ब्रिज, वो खुले हुए हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इधर आने का तो सोच समझ के आना, बिकॉज आपको कुछ ही स्पॉट मिलेंगे खुले हुए, मोस्टली चीज़ें यहाँ पे बंद हो रखी हैं। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपको आना है तो आप सोच कर आना कि आपको पूरी चीज़ें अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ज़्यादा रश नहीं थी तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड लोग बोल रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा रश होती है तो अच्छे से देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बोधि ब्रिज के नीचे या मंदिर के अंदर, तो आप सोच कर आओ वो चीज़। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, एंड अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।